जिन भी बच्चों को टॉन्सिल्स हैं, गले में सूजन रहता है, गले में खराश है, कफ है, उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है त्रिकटु चूर्ण है, एक एक है शीतोपराधि चूर्ण, दो ये आयुर्वेद की किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा। आप दोनों को मिला करके लगभग छोटे बच्चे को एक एक ग्राम आप सुबह दोपहर शाम शहद से चटा दीजिए, ये बहुत ही अद्भुत है। खट्टी चीज़ों को खाने के लिए ना दें। और फंगल इन्फेक्शन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी कायाकल्प वटी दो दो गोली सुबह शाम आप ले लीजिए, और इसके अतिरिक्त खदीरा रिस्ट या महामंजिष्ठादि क्वाथ किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले करके 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी मिला करके आप सुबह शाम नियमित रूप से पीते रहिए, इसको पूरा लाभ हो जाएगा। और बाकी जो है एड़ी में यदि आपको दर्द रहता है तो चंद्र प्रभावटी की 2 गोली, पीड़ांतक बटी की 2 गोली, हो सकता है यदि हड्डी बड़ी हुई है तो एक बार आप थोड़ा दिखा दें, अन्यथा इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मुहासे के दाग धब्बों के लिए एक हमारी है दिव्य कांति लेप जो है, उसको दिव्य कांति लेप को आप फेशियल की तरह से यूज करें। एलोवेरा जेल आप लगाइए, अद्भुत है एलोवेरा जेल जो पतंजलि का है। अभी तो पतंजलि का देखा देखी बहुतों ने अपने कॉपी मारना शुरू करी है, पर आप जानते हैं कि असली तो असली ही होती है, तो आप बहुत आप उसका प्रयोग करिए। यदि किसी ने कहा कि पतंजलि के कर्मचारियों ने आपको पीड़ा पहुंचाई है तो आप सूचना हमको भेज देंगे, हमारा एक लैंडलाइन नंबर है 2400801334 यहाँ का कोड नंबर है, तो निश्चित रूप से आप हम आपको जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। और जैसे कि किसी के एडी में दर्द मैंने बताया आपको, 2 गोली चंद्र प्रभाव बटी लेडीज के लिए भी, और 2 पीड़ांतक बटी 2 गोली सुबह शाम दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। कफ के लिए जैसे स्वसारी क्वाथ का काढ़ा बना करके पीजिए, स्वसारी रस सुबह शाम शहद मिला के चाट लीजिए। और बाकी जैसे किसी ने भाई ने कहा मुझे सारे शरीर में खुजली रहती है, एक बार आप वैद्य को दिखा दीजिएगा। पर घरेलू उपाय के लिए 100 ग्राम नारियल के तेल में आप लगभग 5 ग्राम कपूर को पीस करके नहाने से पहले मालिश कर लेना, कब्ज न रहने देना। और हरिद्राखंड जो है एक आयुर्वेद की अच्छी सी औषधि है, आप एक एक चम्मच सुबह शाम उसको पानी से आप लेते रहिएगा, तो बहुत ज़रूरी है। इतना आप करेंगे तो आपको भरपूर उससे लाभ हो जाएगा।